मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव बोर्ड की 18वीं बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर अनुग्रह राशि 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए दी जाएगी। इसके अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए का यहां कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। वहीं बैठक में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के पुनर्स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जिम कॉर्बेट ट्रेल की स्थापना की जाएगी। मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बड़ा है, उसको देखते हुए जहां एक जो राहत की राशि थी, मुआवजे की राशि थी, सहायता राशि, उसको हमने 4 लाख से 5 लाख पिछले दिनों किया था, उसको अभी 6 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ अब ये कैटेगरी नहीं रहेगी कि इस वन्य जीव के कारण से यहां पर हानि हुई है। अब कोई भी वन्य जीव होगा, कोई भी हमला होगा, तो उसमें सहायता राशि दी जाएगी। और इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा।